Assalamu alaikum class, hope you will be fine. I'm also fine. I'm Zishan Salim and today we'll discuss about the analysis of the beverage. So first of all we look about the drink. What is a drink? Drink is a liquid intended for the human consumption. In addition to their basic functions of satisfying the thirst, drink play important roles in the human culture. Common type of drink include the plain drinking water, milk, coffee, tea, hot chocolate, juice, soft drinks. In addition, alcoholic drinks such as wine, beers and liquors which contain the drug ethanol have been part of human culture for more than the 8000 years ago. So non-alcoholic drinks often slightly drinks that would normally contain the alcohol mean that the non-alcoholic drink mean does not it contain nor any alcoholic content, but sometimes it contains the minute quantity of alcohol such as beer and wine, but are made with a sufficiently low concentration of alcohol by volume. The category include drink that have undergone alcohol removal process such as non-alcoholic beers and dealcoholized wine. So square baat karte hain beverages ki, any potable drink अदर देन वाटर, यानी कि वाटर पानी के अलावा जो भी ड्रिंक होते हैं उनको हम कहते हैं बेवरेज एंड नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन और अस, मीन के ये इंस्टेंटेनियसली हार्मफुल नहीं होते, यानी कि इमीजिएटली इसको पी के नुकसान नहीं होता, लेकिन बाद में हो सकता है इसके बैड इफेक्ट हो, लेकिन इसके बरक्स आप इसको जब पीते हो तो फौरी इसका कोई इतना असर नहीं होता. The word beverage come from the French beaver meaning to drink, यानी कि ये लफ्ज़ फ्रेंच बेवर से निकला जिसके मतलब पीना या कोई पीने वाली चीज़ जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो या आर्टिफिशली, इसको सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा बेवरेज कहलाती है. नाउ देयर आर द वैरायटी ऑफ बेवरेज अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि हमारे जो मार्केट है उसमें वैरायटीज ऑफ बेवरेज अवेलेबल है जो कि मैन मेड है या आर्टिफिशियल या नेचुरल है या आर्टिफिशियल, जो कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बोथ है. सो बेवरेज आर बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड वी कंज्यूम द बेवरेज इन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑन एनुअल बेसिस, यानी कि ये कोक, ये स्प्राइट वगैरह, ये सभी बेवरेजेस में शुमार होती हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द बेवरेज में दिया हुआ है बेवरेज, तो दो कैटेगरी होती है इसकी, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक मेजर. सो उसके बाद नॉन अल्कोहलिक में टू मोर कैटेगरीज होती हैं, एक होती है कार्बोनेटेड और एक होती है नॉन कार्बोनेटेड, ये वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया. चलें अल्कोहल की बात करते हैं. अल्कोहलिक बेवरेज अब इसमें दो टाइप्स हैं, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड. सो फर्मेंटेड में बियर, वाइन, पेरी, साइडर एंड मीड है, डिस्टिल्ड में स्प्रिट और लिक्वर. उसके बाद स्प्रिट में क्या है, वोडका, गिन, रम, टेकुला, ब्रांडी, विस्की एंड अदर लाइक मार्कोजो पिस्को, तो ये सभी डिस्टिल्ड है, यानी कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के यानी इनके बॉइलिंग फ्रैक्शन के बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है. फर्मेंटेशन से मराद है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये इसको प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से. सो उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेवरेज के, सबसे पहले अल्कोहलिक. द अल्कोहलिक बेवरेज इज अ पोर्टेबल लिक्विड विच कंटेन 2 to 70% ऑफ द लिक्वर. दे आर प्रोड्यूस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन इनटू सब्सटेंस सच एज फूड, सीरियल ग्रेन, मोलासेस और प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसको यीस्ट की मदद से बनाया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, जिसमें कि गन्ने की राब, प्लांट एक्सट्रैक्ट या सीरियल वगैरह को शामिल किया जाता है. टेक्निकल इट इज़ नाउन एज इथाइल अल्कोहल, तो इसको केमिकली इसका नाम है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यानी कि इसको फॉर्मूला है केमिकल. सो इट फॉर्मेट पर प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच यीस्ट कन्वर्ट द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सीरियल और मोलासेस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इनकी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसकी रिस्पायरेशन करवाई जाती है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल. ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है. थ्रू देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेम टाइम एंड आल्सो इन्फ्लुएंस द करेक्टर ऑफ द फिनिश बेवरेज. अल्कोहलिक बेवरेज हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, देयर एज फॉलो, फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज. फर्मेंटेड
Fermented alcohol beverages are classified broadly as wine and beer. Wine is a beverage that is prepared by the fermentation of the grape or other juice like cherry, apricot, pear by the addition of the yeast. Beer is prepared by the fermentation of the grain with the yeast with the addition of the hops. These are generally called the fermented malt beverage. So, distilled, second type is distilled beverage. A distilled beverage, spirit liquor or the hard liquor, is an alcoholic beverage produced by the distillation of the mixture produced from the alcoholic fermentation such as wine. The beverages are distilled using either a port still or a patronage still. Distilled beverages are rum, whiskey, vodka, gin, brandy, tequila. They are also called the spirits. Flavor and sweetened spirit are called liquors. यानी कि liquors क्या बनाते हैं कि ये flavored और sweetened स्प्रिट्स होती है. स्प्रिट क्या है कि ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाई जाती है. अब नॉन अल्कोहलिक बेवरेज रेफर टू द नॉन इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक विच डज नॉट हैव अ बिट ऑफ लिक्वर बाय वॉल्यूम और यीस्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट द शुगर इन टू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. यानी कि ये ना फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, ना इसमें यीस्ट यूज होता है और ना ये कोई एनी अल्कोहलिक कंटेंट कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं. दे आर कंसिडर एज अ सॉफ्ट बेवरेज विच कैन हैव अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड स्टैंडर्ड ईजी एडिटेड वाटर, मिनरल वाटर, जूसेस, स्क्वाशेस, सिरप, टी, कॉफी एंड मिल्क ऑल नॉन अल्कोहलिक बेवरेज. इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज आर असेंशली प्रोवाइडेड एंड सर्व एज अ ब्रेकफास्ट. यानी कि ये जो होटल रेस्टोरेंट में वगैरह में ये जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है वो एक अहम जज़्ब होता है खाने के दौरान. दे स्टिमुलेट द पैलेट एंड एक्ट एज अ एपिटाइजर. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द डाइल्यूटिंग स्पिरिट्स विद सॉफ्ट एंड कोल्ड ड्रिंक लाइक रम एंड कोक, विस्की एंड सोडा वाटर, गिन एंड टॉनिक वाटर etc. इट नॉट ओनली एड द टेस्ट ऑन इट बट ऑल्सो इनहांस द कलर एंड फ्लेवर एंड आई अपील. दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ स्टिमुलेंट एंड द सो टाइप ऑफ द बेवरेज. सो द अबव वी मेंशन द क्लासिफिकेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द बेवरेज. सो अल्कोहलिक बेवरेज, दीज आर बियर, सीडर, स्प्रिट वाइन, फोर्टिफाइड वाइन्स, लिक्वर्स, ब्रांडेड अल्कोहल बेवरेज. ड्रिंकिंग चॉकलेट, दीज आर द पाउडर, ग्रेनल एंड रेडी टू ड्रिंक चॉकलेट्स. द नेचुरल फ्रूट जूसेस, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल. द सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट बेस्ड स्क्वाश, कॉर्डियल, आइस टी, कार्बोनेटेड बेवरेज लाइक कोला, लेमोनाइडी, जिंजर बियर, ब्रांडेड बेवरेज etc. मिल्क एंड मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक पाउडर एंड ड्रिंकिंग योगर्ट etc. हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी एंड ड्रिंकिंग वाटर, स्टिल कार्बोनेटेड फ्लेवर्ड सोप्स, फ्रूट कंसेंट्रेटेड एप्पल, ऑरेंज, ब्लैक टी, ग्रीन टी लीव रेडी टू ड्रिंक, हर्बल टीज, कोका बीन्स, कोका पाउडर्स, कॉफी etc. दीज आर ऑल द बेवरेजेस एंड द माल्टिंग एंड पेयरली आर द अदर थिंग्स. सो टिपिकल now the analysis of the beverage. So the things that we have should kept in mind during analyzing the beverage is that the typical parameter analyzed will obviously depend upon the type of product, but include the nutritional analysis, acidity, alcohol content, bricks, caffeine and caffeine product, dry matter or dry substances, net weight or net volume, heavy metal like arsenic, cadmium, lead, mercury, sulfur dioxide, theobromine in coca product and the phosphates in the soft drink or coca colas. So step one, the analysis of the pH, phosphate ion, sugar and alcohol in beverages. So first of all, the test for phosphate ion. Take few ml of the beverage like the coke,
in a test tube and add few drops of the ammonium molybdenate in it. Then add 10 to 20 drops of the HNO3 in it. Provide a gentle heat with a constant stirring for the 20 minutes. Check it. If the yellow colored precipitate are formed, then the phosphate ion are present, which readily form complex with the ammonium molybdate in the presence of HNO3. यानी कि HNO3 की मौजूदगी में अमोनियम मोलिब्डेनेट से जो कम्प्लेक्स फॉर्म करता है फॉस्फेट आयन, इसकी कन्फर्मेशन होती है, यानी कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि सब कन्फर्म करता है कि इसके फॉस्फेट आयन प्रेजेंट। और ये हमारी जो कोको कोला, स्प्राइट, ये जो हमारे कॉमन बेवरेज है उनमें तकरीबन ये सभी में फॉस्फेट पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। टेस्ट फॉर पीएच दो, इसके लिए कहता है कि टेक डिफरेंट टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ईच विद 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, देन ऐड द सैम्पल ऑफ द डिफरेंट बेवरेज। यानी कि कुछ आपके पास जो बेवरेज हैं, कुछ बोतल हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं, उनको आप अलहदा अलहदा टेस्ट ट्यूब में डालें, उसके अंदर आप लिटमस पेपर यानी कि पीएच पेपर को डालें, तो आप उसको देखेंगे कि उसका कलर चेंज होगा। अगर तो वो इसका कलर चेंज है, उसकी रेंज जो है वो 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक है। तो मोस्टली जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें कोका कोला, स्प्राइट, ये मरिंडा वगैरह, तो इसकी पीएच लाई करती है 2 to 3, यानी कि ये एसिडिक की नेचर होती है। सो कोक के लिए इसकी होती है 3। उसके बाद टेस्ट फॉर द ग्लूकोज प्रेजेंस, यानी कि अब हमने देखना है कि बेवरेज में ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे कि टेक टेस्ट ट्यूब एंड पुट इक्वल अमाउंट ऑफ द डिफरेंट बेवरेज इन इट, यानी कि हम डिफरेंट अमाउंट यानी कि डिफरेंट टेस्ट ट्यूब ले, उसमें सेम अमाउंट ऑफ द बेवरेज डालें। उसके बाद क्या करें कि फैलिंग सॉल्यूशन ए यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसको डालें, फिर उस फैलिंग सॉल्यूशन बी डालें, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रखें 10 मिनट के लिए, फिर उसको आप उसको देखें कि इसके रिजल्ट क्या है। तो अगर वो रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज प्रेजेंट। और मोस्टली हमारे जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक है यानी जिसमें कोक, स्प्राइट, ये फ्रिंडा, फांटा वगैरह, ये सभी में रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें शुगर प्रेजेंट है। और ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है ये एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसकी टेस्टिंग के लिए, तो ये भी कन्फर्म करता है कि ये एल्डिहाइड की ग्रुप प्रेजेंट है इसमें जो हमारा बेवरेज है। उसके बाद टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेस्ट है कि बेवरेज जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, इसमें अल्कोहल कंटेंट है कि नहीं है। दूसरे जो अल्कोहलिक, प्योर अल्कोहलिक बेवरेज है उसमें तो ऑलमोस्ट होगा ये 2 to 75%, लेकिन जो हमारे नॉर्मल है उसमें ये यूज़ होता है कि नहीं होता, या ये प्रेजेंट होती है कि नहीं अल्कोहल, ये अलग बात है। क्या करेंगे कि आप फूड टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, उसमें सम क्वांटिटी ऑफ बेवरेज ऐड करेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसके बाद आप पोटाशियम आयोडेट उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, उसको वाटर बाथ में रखेंगे और आप उसको देखेंगे कि चेक करेंगे कि इसके कलर चेंज। अगर तो वो रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो जाए देन अल्कोहल इज प्रेजेंट, इफ नॉट देन नो अल्कोहल। एंड मोस्टली जो हमारी बेवरेज है उसमें अल्कोहलिक कंटेंट होते हैं और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म करते हैं। एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रूट बेवरेज, यानी कि जो फ्रूट जूसेस हैं उनकी बात करते हैं कि उनके एनालिटिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं। द फ्रूट बेवरेज आर द नॉन अल्कोहलिक एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज, यानी कि ये नॉन अल्कोहलिक और नॉन कार्बोनेटेड है, इसमें इंक्लूड होता है फ्रूट जूस, फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट नेक्टर। द बेवरेज कंटेन फ्रूट जूस, वाटर, इसमें क्या क्या होता है, फ्रूट जूस, वाटर, शुगर, डेक्सट्रोज, इनवर्ट शुगर वगैरह। सो ये ड्रिंक है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन एज वेल। द मेजर डेटोरियन यानी कि इसके ज़्यादातर नुकसान क्या होता है कि ये लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, फिजियोकेमिकल चेंजेस एंड माइक्रोबियल ग्रोथ इन टाइम, यानी कि इसको लंबे अरसे तक रखें तो इसमें न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, इसके केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट जूस मेनली ड्यू टू द यीस्ट, यानी ये यीस्ट फंगस था, इसकी वजह से इसकी स्पॉइलेज हो जाती है। किसके
क्यों होती है? क्योंकि एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो फर्मेंटेशन है वो अल्कोहल बनाएगी, और उसके बाद जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो अनप्रेजेंट ऑर्डर यानी कि इसको ख़राब कर देगी, एंड फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड फ्रूट एसिड बाई यीस्ट एंड मोल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ ऑफ जूस विदाउट स्पॉइलेज द यीस्ट मस्ट बी रिमूव्ड बाई द पास्चराइजेशन फिल्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन। यानी कि आप उसको स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो कि आप यीस्ट को रिमूव करते हो पास्चराइजेशन फिल्ट्रेशन या प्रिजर्वेशन के बाद। उसके बाद है जी फ्लेवर एंड कलर इन जूस, यानी कि जो जूसेज होते हैं उनमें फ्लेवर और कलर आर्टिफिशली ऐड किए जाते हैं या इनके नेचुरल कलर होते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी ड्रिंक कंटेन लीगली परमिटेड कलोरी दीज आर एडेड टू ओवरकम द ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ द सल्फाइट यूज एज द प्रिजर्वेटिव। यानी कि जो सल्फाइट के बैड इफेक्ट होते हैं जिसको ब्लीचिंग इफेक्ट कहते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हम फ्लेवर्स और ये अरोमास या कलर्स ऐड करते हैं, और इसके साथ ये अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी देता है। उसके बाद विटामिन सी प्रेजेंट इन जूस, तो विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्रूट जूसेस का। तो ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज रेफर टू द नॉन इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक विच डज नॉट हैव बिट ऑफ लिकर वॉल्यूम आर यीस्ट एंड नॉट इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट द शुगर इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे नोट कर लें कि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है जूसेस में, तो ये हैवी, तो ये ड्यूरिंग द रिपनिंग प्रोसेस यानी कि जब ये रिप करता है तो तब ये हैवी अमाउंट में होता है। उसके बाद कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी क्वान्टिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू द वेरियस फैक्टर लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ इट। तो इसको स्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो ये ड्यूरिंग द केनिंग प्रोसेस एंड आफ्टर द स्टोरेज ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसको वेरियस मेथड इसकी क्वांटिटी को मालूम किया जाता है कि ये कितने परसेंट है, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोकेमिकल मेथड या HPLC के जरिए इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड किया जाता है। ओके, थैंक यू, दैट इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन।